tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। RCT 2023, इस बार फुलर लेंथ की बॉल बल्ले को फूंक मारती हुई, ये वो एंगल है आपने देखा होगा इस तरह लेफ्टी बोलर्स को डोमिनेट करते हुए। अ परफेक्ट एंगल ऑफ अ लेफ्टी बोलर, एक जंप लिया स्ट्रेट एंड फुल, मुन्ना देसाई 11। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट और ये पहला विकेट सूरज पाटिल ने कैच ले लिया और मुन्ना देसाई 11 को लगने वाला ये पहला झटका। खूबसूरत गेंद थी, करेश मात्रे ने पिछली बार जब सिक्स लगाया था तो वो मिड विकेट की जानिब था, जो लपेटना आसान है, लेकिन स्ट्रेट शॉट जो उन्होंने खेला स्लाइटली लीनिंग फॉरवर्ड और ना ऊंचाई तय कर पाए ना दूरी नाप पाए, और सूरज पाटिल ने एक बेहतरीन कैच लेते हुए चलता किया वहां पर बैटर करेश मात्रे को। पहला विकेट यहां पर श्लोक आर्या 11 जेएस डोंबिवली के लिए। इसी को कहते हैं कभी खुशी कभी गम के यूट्यूब चैनल पर। हिमांशु की अगली गेंद पहले ही मन बना दिया था उल्टा पुल्टा शॉट का, वाइड इस गली में गेंद रोकी गई, अच्छा क्षेत्ररक्षण और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7-1 विकेट के नुकसान पर। शाम का फुटवर्क नहीं था और बॉल टप्पा खाकर गुडलैन स्पॉट पर उठी थी। देखिए हिमांशु पाटिल श्याम चौधरी दोनों भिवंडी कर रहे और भिवंडी के कई टूर्नामेंट में आमना सामना कर चुके हैं, इसलिए एक दूसरे की खूबियां और खामियां अच्छी तरह उन्हें पता है और हिमांशु पाटिल इस पर ही काम करते हुए एक डॉट बॉल 7-1 लास्ट बॉल धीमे से धकेल दिया गली में, एक रन पूरा किया श्याम चौधरी ने। सावधानी भरी शुरुआत, 1 ओवर 8 रन 1 विकेट। आप देख रहे हैं ओम साई स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स रत्नागिरी चैंपियंस ट्रॉफी 20। एग्रेशन इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। इस बार अपिश खेला, कैच आउट का खतरा, आसान कैच छूट गया और वहां पर कैच तो छूटा, 2 रन भी बटोर लिए गए। विशाल स्वयं थे वहां पर थोड़ा सा अपने आप से मायूस, बहुत अच्छी गेंद थी, काटा बदलती हुई उस पर थोड़ा सा मानो बल्ले से टिचकी देने का प्रयास था, मानना पड़ेगा 34 for 3। इस बार फिर से वही रिवर्स पुल, लेकिन इस बार आउट होने का खतरा है और अरफ ने खुद अपना विकेट तोहफे में दे दिया। सिद्धेश वास्कर ने कैच ले लिया। देखिए पहली बार जब वो स्ट्रोक को खेला वो एक अच्छी पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ पायनियर, और यहां पर देखिए उनको भी फंसा दिया बिल्कुल भिवंडी टू भिवंडी, और यहां पर एक आसान कैच दे बैठे अकबर, बॉल के बाउंस को पढ़ नहीं पाए और हिमांशु अब हैट्रिक पर आ चुके हैं।